भाजपा राष्ट्रीय प्रदेश सदस्य महेंद्र यादव के नेतृत्व में बांसूर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर डॉक्टर शुभम चौधरी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विद्या प्रकाश को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बांसूर विधानसभा क्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं आए दिन बढ़ रहे अपराध की रोकथाम के लिए थानों और चौकियों में पुलिस जाप्ता बढ़ाने व कस्बे के मुख्य मार्गों सहित गांवों में गश्त बढ़ाने की मांग की गई। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विद्या प्रकाश ने आश्वस्त किया है कि क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम एवं पूर्व के लंबित प्रकरणों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी, साथ ही क्षेत्र के पुलिस थानों में पुलिस जाप्ता एवं गश्त भी बढ़ाई जाएगी। विधानसभा क्षेत्र की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर आज हमारा एक डेलीगेशन आदरणीय कलेक्टर साहिबा से मिला है, जिसमें ग्राम बुरियावास पर जो अतिक्रमण है उसका मामला भी है। उसके अलावा और भी कलेक्टर साहिबा को हमने जो क्षेत्र में जितनी भी आए दिन फायरिंग, लूट, डकैती, चोरियां हो रही है, उसके बारे में लोगों के पास अवैध हथियार हैं उसके बारे में बात बताई हमने साहब को। उन्होंने बहुत ध्यान से सबकी बात सुनी है। इसके बाद हम एसपी साहब को यहाँ ज्ञापन देने आए थे। एसपी साहब आज मौके पर मौजूद नहीं है, तो हमने एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश जी को ज्ञापन दिया है कि साहब बांसूर में आए दिन फायरिंग हो रही है, आज तक जितने भी जघन्य मुकदमे दर्ज हुए उसका किसी का पर्दाफाश नहीं हुआ। अभी मुगलपुर में भी फायरिंग हुई है, इससे पहले बालावास में फायरिंग हुई थी, सुनीता हत्याकांड हुआ, मैनपुर में एक गुजर समाज के बच्चे का आज तक खुलासा नहीं हुआ। अभी हमारे व्यापारी बालाश्य जी पर की दुकान पे फायरिंग करके 50 लाख की फिरौती मांग करके जान से मारने का पत्र दिया। इसी प्रकार मानसी मार्केट में भी बंदूक की नोक पर लूट हुई, एक बैंक के सामने 2-3 लूट हो गई। तो बांसूर में ये जो असामाजिक तत्व हैं, उन लोगों ने बांसूर की जनता, बांसूर के व्यापारी वर्ग, बांसूर के जो अच्छे भले लोग हैं, उनमें एक भय का माहौल पैदा कर दिया है। तो निश्चित रूप से हम आज पुलिस अधीक्षक साहब से मिलकर यही निवेदन किया है कि आप बांसूर के थानों की नफरी बढ़ाई जाए, रात्रि गश्त बढ़ाई जाए और नाके किए जाए, लोगों की जो रात्रि में घूमते हैं ऐसे लोगों की तलाशी ली जाए, जो अवैध होटलें वगैरह चल रही है उन पर भी अंकुश लगाया जाए। तो आज हमारे सभी से हम देखते हैं, अगर इसमें कुछ फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हो पाती है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता फिर मिलकर आगे एक आंदोलन की रूपरेखा